झारखंड विधानसभा में आज बीजेपी विधायकों ने किया विरोध का भजन कीर्तन। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन का किया विरोध। स्पीकर के फैसले को बताया तालिबानी, कमरा आवंटन रद्द करने की मांग। बीजेपी विधायकों ने कहा अगर नमाज के लिए कमरा दिया जा सकता है तो हिंदू विधायकों को भजन कीर्तन के लिए क्यों नहीं। भजन कीर्तन के लिए 10 कमरों की मांग की। बीजेपी ने विधानसभा का मानसून सत्र बाधित करने की धमकी दी। कहा विधानसभा में भजन कीर्तन के लिए कमरा आवंटित हो और सभी धर्मों के लिए प्रार्थना के लिए कमरा मुहैया कराया जाए। विधानसभा का रंगत भी बदल दिया है। जिनको चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने विधानसभा का रंगत बदल दिया है और अब यही सब चलने वाला है यहाँ विधानसभा के अंदर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, बीजेपी धर्म के नाम पर फैलाना चाहती है उन्माद। लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का आरोप, बीजेपी जनता को महंगाई रोजगार जैसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। देश के सांप्रदायिक सौहार्द में खलल की सामने आई नई किश्त, अयोध्या के स्वामी परमहंस दास बोले खत्म हो मुसलमानों की नागरिकता, यहां रहें तो गुलाम बनकर रहें। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान से तुलना करने पर बीजेपी ने किया जमकर कल प्रदर्शन, मुंबई में घर के बाहर हंगामा। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान की तुलना के बाद अब संघ के समर्थन में आई शिवसेना, मुखपत्र सामना में संघ के पक्ष में लिखा लेख। शिवसेना ने साफ शब्दों में लिखा जावेद अख्तर की आरएसएस से तुलना तालिबान से करना हमें स्वीकार नहीं। शिवसेना ने सामना में यह भी लिखा कई बार जावेद अख्तर ने धर्मांध लोगों के मुखौड़े फोड़े हैं, कट्टरपंथियों की परवाह किए बिना वंदे मातरम गाया लेकिन आरएसएस तालिबान नहीं हो सकता। सामना में लिखा संघ वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों की मानसिकता तालिबानी बताने वालों को आत्म निरीक्षण की जरूरत। सामना में शिवसेना ने भी लिखा मुझे इस देश का खुमैनी नहीं बनना, हिंदुत्व के नाम पर किसी तरह का उन्माद यहां स्वीकार नहीं, हिंदू बाहुल्य देश में आज भी धर्मनिरपेक्षता का झंडा लहराता है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, शिमला में दर का पहाड़, लाइव वीडियो आया सामने। शिमला में भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में हाईवे पर आया मलबा। भूस्खलन के दौरान बाल बाल बचा हादसा, हाईवे पर जा रहे लोगों ने समय रहते मलबा गिरते देख लिया, जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। पहाड़ पर भूस्खलन इतनी बड़ी और तेजी से हुआ कि बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ नीचे हाईवे पर आ गिरे। शिमला के रामपुर में जूरी के पास भूस्खलन के बाद NH5 का रास्ता बंद, किन्नौर की आवाजाही हुई ठप। तालिबान ने अफगानिस्तान के बशीर पर कब्जे का किया दावा, गवर्नर ऑफिस के बाहर हथियारबंद तालिबानियों का वीडियो आया सामने। बशीर में गवर्नर ऑफिस पर तालिबानियों ने फहराया अपना झंडा, वीडियो किया जारी। तालिबान का दावा बशीर की लड़ाई में सालेह मोहम्मद की मौत। रेसिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और पत्रकार फहीम देस्ती की भी मौत, टोलो न्यूज ने दी खबर। तालिबान ने पंजशीर के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जे का दावा किया। सूत्रों के अनुसार पंजशीर में ही अमरुल्ला सालेह अज्ञात स्थान पर है सुरक्षित। अमरुल्ला सालेह के करीबी ने तालिबान पर पंजशीर के कब्जे के दावे को झूठा बताया। अमरुल्ला सालेह के करीबी का आरोप, पंजशीर की लड़ाई में तालिबान पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स की ले रहा है मदद। तालिबानी न्योते पर अफगानिस्तान पहुंचे थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख फैज हमीद, पाकिस्तान का दखल शुरू, हिकमतयार से भी मुलाकात। कश्मीर को तालिबान ने बताया भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, आज तक से प्रवक्ता की एक्सक्लूसिव बातचीत कहा पड़ोसी देशों से करेंगे बात। तालिबान ने NRF प्रमुख के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पिछले 3 दिनों से अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में होने की खबर, तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया।
तालिबान को मिला संयुक्त राष्ट्र का साथ, काबुल में मुल्ला बरादर ने महासचिव मार्टिन ग्रिथिफ से की मुलाकात। अफगानिस्तान के मामले में ईरान का बड़ा बयान, जल्द युद्ध खत्म हो, जनता की चुनी सरकार बने। काबुल एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, हवाई पट्टी ठीक होने के बाद शुरू हुई हवाई सेवा। कल मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, मोदी योगी सरकार को देनी होगी वोट से चोट। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आंदोलन के बीच देश विरोधी शक्तियां कर रही हैं काम। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्याय सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, नए कृषि कानून में स्याही के अलावा कुछ भी काला नहीं। किसान आंदोलन के पीछे यूपी के डिप्टी सीएम ने बीएसपी, एसपी और कांग्रेस का हाथ बताया। महापंचायत पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, किसान नाराज नहीं, मोदी के साथ हैं, विरोधी दल कर रहे हैं साजिश। किसानों के आंदोलन के बहाने अखिलेश ने सरकार से पूछे सवाल, क्या आय हो गई किसानों की दुगनी। राहुल के ट्वीट से जुड़ी तस्वीर पर उठा विवाद, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित बालवीय का दावा, राहुल ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर पोस्ट की। ममता के चुनाव लड़ने का ऐलान, उपचुनाव में भवानीपुर से ठोकेंगी ताल। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से किया संवाद का, हिमाचल में सबसे तेज वैक्सीनेशन। पीएम ने कहा हिमाचल में 100% लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज, सभी को 30 नवंबर तक दूसरी डोज देने का लक्ष्य। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह के घर पर हमला, हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। बीजेपी नेता के घर पर हमला, सीसीटीवी में कैद, परिवार के लोगों ने भागकर बचाई जान, 3 दिनों से पुलिस के हाथ खाली। लखनऊ में एक मंत्री के सरकारी ड्राइवर की मौत पर विवाद, ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरकारी ड्राइवर अशोक वर्मा के परिजनों का आरोप, मेडिकल लीव पर होने के बावजूद राज्य विभाग ने अशोक को जबरन ड्यूटी पर बुलाया। देश में कोरोना बढ़ रहा है लेकिन थोड़ी सुस्त रफ्तार के साथ, पिछले 24 घंटों में 38,948 नए कोरोना केस सामने आए, 219 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा, 24 घंटों में 43,903 मरीज ठीक हुए। हमारे देश में इस समय 4,04,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, 68,75,00,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक हमारे देश में लग चुकी है वैक्सीन। मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत से यूपी सरकार सतर्क, सीएम योगी ने आज किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक की। लखनऊ में बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक हुई, योगी राज में मिशन शक्ति को बताया सफल। आज एसआईटी की टीम नोएडा के प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची, खंगाले गए दस्तावेज, सुपरटेक के एमराल्ड बिल्डर के टावर से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक एमराल्ड बिल्डिंग के 2 टावर्स को गिराने का दिया था आदेश, इस दौरान अथॉरिटी पर बिल्डर से मिली भगत का लगाया आरोप। अमृतसर में महिला कांग्रेस ने उठाया महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन। छपरा में नीलगाय से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 बुलेट सवारों को कुचला, 1 की मौके पर मौत, 1 की स्थिति बेहद गंभीर। दुर्गापुर में पूर्व लोकसभा सांसद सुनील मंडल के भाई का ट्रक में मिला शव, पाली सनसनी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल ड्रेस पहनकर न आने पर प्रिंसिपल ने की अभद्र टिप्पणी, छेड़छाड़ में पॉस्को का केस दर्ज। मुंबई के मुंब्रा में एक शख्स ने पत्नी के मुंह में गैस की पाइप लड़ाई डालकर हत्या कर दी, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के महोबा में एनकाउंटर, पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार किए, लाखों का माल बरामद। राजस्थान के डोंग में लेनदेन को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल।
लखनऊ में रोडवेज की बस में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जलकर खाक हुई बस। इंदौर में छात्रा के फांसी लगाकर आत्महत्या करने को परिजनों ने ऑनलाइन गेम खेलने से जोड़ा, कहा गेम खेलने के बाद डिप्रेशन में थी लड़की। मुंगेर में खाद की कालाबाजी करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, भारी मात्रा में खाद जब्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सूरत में 2 साल की मासूम को कार सवार ने कुचला, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद घटना। पुरुलिया में पुलिस वाले ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली। गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क हत्याकांड में स्थानीय लोगों का कैंडल मार्च, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की मांग की। रामपुर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज, सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का किया इस्तेमाल। ट्रेन में अंडरग्राउंड में घूमने वाले जेडीयू विधायक की हरकत की बिहार के मंत्रियों ने की निंदा,